अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है या फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और आप बच्चों को स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जो बिज़नेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर सुन के मेरा तो दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि भाई मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती, लाइक मैं स्टूडेंट्स के साथ टैकल नहीं कर सकती, इतना शोर और बहुत कुछ। लेकिन ये जो बिज़नेस आइडिया है ये बहुत बढ़िया है, इसलिए आपका ज़रा भी इसमें इंक्लिनेशन है पढ़ाई की तरफ या फिर टीचिंग की तरफ, तो आप कोचिंग सेंटर खोल कर अपना बिज़नेस चला सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कई कोचिंग सेंटर्स हैं, कई ऐसी आप देखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं। तो चलिए आपको इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे आप इस बिज़नेस के ज़रिए मुनाफा कमा सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा हमें कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि और किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। पहले के समय में विद्यालय ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ बच्चे अध्ययन करते थे। उसके बाद घर घर आधारित ट्यूशन चालू हो गए, जिसमें पढ़ाई में कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, जो आज भी चल रहा है और इसने काफी लंबा सफर तय किया। पर जैसे जैसे शिक्षा पद्धति में बदलाव आया, वैसे वैसे घर में आधारित ट्यूशन केवल स्कूल तक ही सीमित रह गए। वहाँ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान में या उच्च नौकरी के लिए कोचिंग्स की शुरुआत की गई। लेकिन अब ये दो भागों में बंट चुकी है, पहली जो केवल बच्चों को विद्यालय लेवल पर पढ़ाती है और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेने में मदद करती है। ऐसे छात्र जिन्हें अच्छे संस्थान में या अच्छी नौकरी के लिए अच्छी कंपनी में जॉब लेनी होती है, वहाँ बिना टेस्ट के जाना संभव नहीं। उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए विद्यार्थी कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं, जो इन्हें कम समय में आसान ट्रिक्स की मदद से परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने में मदद करते हैं। ये केंद्र सुनिश्चित करते हैं कि विद्यार्थी अच्छे अंकों से प्रवेश ले सके। कोरोना काल में जिस प्रकार बहुत से लोगों की जॉब गई है, उससे कई लोगों का मानना है कि अब उन्हें भी खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। तो अगर आप भी कोचिंग का संचालन करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ इन जरूरी चीजों को ध्यान में रखकर आप भी कोचिंग चालू कर सकते हैं। पंजीकरण। यदि आप छोटा कोचिंग सेंटर चालू करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बड़े कोचिंग सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। सालाना लाभ 9 लाख से अधिक होने पर ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा और पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है और 1 महीने में ही सेवा कर देय हो जाता है। यदि कोचिंग एकमात्र स्वामित्व है या कोचिंग संस्थान के रूप में है तो अलग अलग मानदंडों में उसका पंजीकरण होगा। विषय का निर्धारण। कोचिंग सेंटर चालू करने से पहले आपको उन विषयों का चयन करना होगा जिसे केंद्र में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिन विषयों में आपकी योग्यता है तो उन विषयों को उस स्तर पर पढ़ा जाएगा। जितना अच्छा स्तर होगा और जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप देंगे, उतने अधिक विद्यार्थी दाखिल होंगे। या फिर थोड़ा शोध कीजिए कि आपके इलाके में किस विषय की ज्यादा मांग है और कोशिश करें कि ऐसे विषय को ढूंढ पाएं जिसकी डिमांड अच्छी हो और उसके ट्यूटर मुश्किल में उपलब्ध हों। शुरुआत में फीस कम रख सकते हैं। स्थान सुनिश्चित करें कि केंद्र ऐसी जगह चालू करें जहां पर परिसर अच्छा हो, शहर के केंद्र में हो और हर कोने से छात्र ट्रेन, बस या अन्य साधन द्वारा आसानी से आ सकें। संसाधन। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता तो होती ही है, जिसमें पाठ्यक्रम, पुराने पत्रों का परीक्षण, पाठ्यपुस्तक, पेपर, कैलकुलेटर और पेन जैसी कई सामग्रियां शामिल हैं। अध्ययन सामग्री या नई किताबें खरीदने से बेहतर सेकंड हैंड लेना उचित होगा, ये आपकी व्यय को कम करेगा। मार्केटिंग। अपने विशेष स्थान और संस्थान चुन लिया, इसके बाद आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो आपके कोचिंग सेंटर को बढ़ावा देगी। प्रतियोगिता के इस दौर में पहले से जड़ जमा चुकी संस्थानों को टक्कर देना बड़ी बात है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो काफी समय से सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उसका भरोसा विद्यार्थियों में बना हुआ है। और आपका सेंटर नया है तब भरोसे की संभावना कम रहती है और ज्यादातर लोगों को आपके बारे में पता नहीं होता। उसके लिए आप विज्ञापन दे सकते हैं। अपने सेंटर की मार्केटिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैनर विज्ञापन, समाचार पत्र, पैम्फलेट, व्हाट्सएप और अन्य कई साधनों के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत में बच्चों को आकर्षित करने के लिए कम फीस रख सकते हैं। एक बार जब विद्यार्थी आने लगे और उनको अच्छे लेवल की शिक्षा मिलेगी तो फिर आपको मार्केटिंग की जरूरत स्वतः कम हो जाएगी। आपका सबसे मजबूत नेटवर्क रेफरेंस का हो जाएगा। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा से लोकप्रियता बढ़ेगी ही, उसके बाद भविष्य में ट्यूशन फीस बढ़ा सकते हैं। सक्षम कर्मचारी। एक कोचिंग आप अकेले नहीं चला सकते, इसके लिए आपको सहकर्मियों की जरूरत होती है। लेकिन किसी भी ट्यूटर को रखने से पहले सावधान रहें, क्योंकि ये आपके कोचिंग पर असर करता है। इसके लिए जो विषय में कुशल और छात्रों की आवश्यकता है
उसके अनुसार पढ़ाता हो ऐसे सक्षम ट्यूटर को रखें। शिक्षण साधन, सुनिश्चित करें कि आपने जिन शिक्षकों को चुना है उन्हें शिक्षण साधनों का उपयोग अच्छे से आता हो, जिनसे व्हाइट बोर्ड या मार्कर के अलावा अन्य उपकरण जैसे चार्ट, वर्किंग मॉडल, ऑनलाइन मदद शामिल है, जिससे विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रभावित होने के साथ दिलचस्प भी बने। गुणवत्ता, कुछ सेंटर केवल पैसों के लिए काम करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देते, इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए समय समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शानदार शिक्षण माहौल और ट्यूटर्स के अध्ययन पर निरीक्षण करते रहें। ट्यूटर पर जितना ज्यादा अपडेट रहेंगे उतना ज्यादा बच्चों को लाभ होगा। समय समय पर अनुभवी शिक्षकों से सलाह लेते रहें। बुनियादी ढांचा, कोचिंग का बुनियादी ढांचा पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें अध्ययन सामग्री, बैठने की उचित व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, बेंच, कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखे और वॉशरूम शामिल है। छात्रवृत्ति, समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो ट्यूशन के खर्च वहन नहीं कर सकता, इस संबंध में आप छात्रवृत्ति भी दे सकते हैं। कोचिंग चलाना भी बिजनेस जैसा ही है, कुछ अंश पर अगर ध्यान दें तो यहाँ से भी लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अहम बात है कि पढ़ाने का तरीका जितना आकर्षक होगा बच्चों को याद करने में उतनी आसानी होगी। सामाजिक कार्यों में भाग लें और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दें। हर दिन अपने कौशल में सुधार करें, नए नए तरीकों से समझाएं, जरूरत पड़ने पर चार्ट पेपर या अन्य चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे स्कोर से पास हुआ विद्यार्थी आपको लोकप्रियता दिलाएगा, इसलिए गुणवत्ता से समझौता ना करें। निष्कर्ष, इस लेख में हमने मुख्य चीजों को इंगित किया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस लेख से आपको निर्णय लेने में काफी सहायता होगी। आप अगर इन सभी बिंदुओं पर गौर से सोचें, अगर आप इन सभी बिंदुओं पर गौर कर सोचें और इसका पालन करेंगे तो आप निश्चित ही सबसे लोकप्रिय कोचिंग के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो देखा आपने, हमने आपको बता दिया कि कैसे आप कोचिंग सेंटर के जरिए जो है मुनाफा कमा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपके कोचिंग सेंटर को आगे लेके जा सकते हैं। तो देर किस बात की, कोई और आपकी क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के जरिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।